हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा अग्रवाल। अंजलि टैरो पे आपका वेलकम करती हूँ। मैं आज वाटर साइन पाइसेस यानी कि मीन राशि की रीडिंग 1 से 15 सितंबर की करने वाली हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, तो प्लीज़ उतना ही दीजिए जितना कि रेजोनेट करे। और पाइसेस मैंने आपके लिए ये कार्ड्स निकाले हैं, हेल्थ का, वेल्थ मनी का निकाला है, देन करियर के लिए स्टूडेंट जो जॉब में हैं उनके लिए, और बिजनेस पर्सन्स के लिए भी निकाला है, देन लव रिलेशनशिप के लिए, और एंड में एक गाइडेंस कार्ड निकाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड आए हैं। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि बता रहा है कि शायद आप इन दिनों बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या गुस्से, एग्रेशन में हैं, या आप पीछे से ऐसे कर रहे हैं, तो आपकी ये हेल्थ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है या कर रही है। और अगर इस समय नहीं भी हो रही है तो ये मत सोचिएगा कि ये नहीं करेगी, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको फिजिकली ये आपको दिखे, प्रॉब्लम्स आपको आने लगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी ये मत करिए, इसका आपके फिजिकल हेल्थ पे असर आने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। देन मनी एंड फाइनेंस के लिए आपका कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, जो कि बता रहा है कि आपने पीछे से तो कुछ मनी रिलेटेड या तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग या कोई वर्क किया है, और उसकी आपको रिटर्न्स या गुड न्यूज़ आपको मिलने के उस पर है वर्क पे, और ये जो पैसे हैं या रिटर्न है ये आपकी उम्मीद से शायद ज़्यादा ही होंगे, और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी मिल सकती है। तो मनी के फील्ड में तो बहुत अच्छी खबर आते हुए दिख रही है। देन हम करियर में स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं, उनके लिए आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि बता रहा है कि आप अपने पढ़ाई हो या करियर में जो आगे करियर में जानना चाह रहे हैं, तो वो करियर में स्ट्रेट अपना स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू रखें और सीधे अपराइट होके चलें, और इधर उधर अपना ध्यान बिल्कुल शॉर्टकट्स और दो बातें ये सब नहीं करनी है। आप अपने पाथ पे रहिए, अपने गोल को देखिए, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस रखिए, और जो कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कम्युनिकेशन में तो ये कार्ड आपको बहुत हेल्प कर रहा है, तो आप अपना इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छे से दे पाएंगे और अपनी बात बहुत अच्छे से कह पाएंगे, तो आप अपना रीजनिंग और लॉजिक अपने इमोशंस के ऊपर रखिए, और इमोशंस को हावी मत होने दें और अपने रीजनिंग से चले, तो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देन जो जॉब में है उनके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। शायद जॉब में आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं कि बहुत काम कर लिया, बहुत काम हो रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने एफर्ट दिए जा रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या आपका मन नहीं लग रहा है कि अब मैं इसे छोड़ दूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। तो आप थोड़ा सा अपने को भी दीजिए, खाली जॉब में ही एनर्जी देते जाए नहीं, ऐसे कैसे आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आप अपने को भी एनर्जी दीजिए, अपने को पॉजिटिविटी दीजिए, हील करिए, एनर्जी लाइए, तब तो आप काम में दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप अपने काम में दे रहे हैं और आपकी नेचर है कि आप बहुत काम करते हैं, तो थोड़ा सा कार्ड कह रहा है कि आप अपने को भी दीजिए, तो आप आगे जॉब में भी दे पाएंगे। जो बिजनेस में है उनके लिए है कार्ड 10 स्टार का, जो कि बता रहा है कि आपने बहुत
धैर्य से और बहुत ही परसिस्टेंस से आप अपना काम करते आए हैं, आपने अपने काम में लगे रहे हैं और ज़्यादा इधर उधर अपना ध्यान नहीं दिया है, अपने काम में तल्लीनता से लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको इसका फल पॉजिटिव मिलने वाला है। टाइम बता रहा है, एनर्जीज बता रही हैं कि वो रिज़ल्ट आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो आपने जितनी मेहनत करी है उसका फल बहुत आपको अच्छा ही मिलेगा। तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। देन हम लव रिलेशनशिप में देखते हैं। पहले सिंगल्स के लिए आया है द जजमेंट का कार्ड, मेजर अरकाना का जजमेंट का कार्ड, जो बता रहा है कि अगर आपका कोई पास्ट किसी पास्ट में कोई पार्टनर था और लव कनेक्शन था, तो हो सकता है वो आपको सेकेंड चांस चाह रहा हो या आप सोच रहे हो सेकेंड चांस के लिए कि रिकनसाइल कर लें, दोबारा से देख लें। तो अपना सोच समझ के कि आपका दिल क्या कहता है उस हिसाब से आप देखिए, तो हो सकता है कि ये रिकनसिलिएशन के लिए ये कार्ड आपका जो दिखा रहा है तो उस पर अपना स्टैंड आप ले सकते हैं। देन जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी उनके लिए आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप में तो आपके भरपूर एनर्जी होने वाली है पाइसेस, क्योंकि कार्ड ही बता रहा है कि ये काफ़ी आप लोग एनर्जी में रहने वाले हैं, पैशन में रहने वाले हैं, अपने पार्टनर को रिलेशन को आप लोग बहुत एनर्जी और बहुत एंथ्यू देने वाले हैं, तो वो तो ग्रो करेगा ही, एक्साइटमेंट रहेगा और बहुत कैरिश्मा और बहुत ही रोमांस, पैशनेट टाइप का रोमांस रहेगा। देन ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे वो लोग कर सकते हैं, और जिनको नहीं चाहिए तो वो उसका मेजर भी ले सकते हैं। तो ध्यान इस चीज़ का बस ध्यान रखिए, और अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। गाइडेंस में देखते हैं, गाइडेंस में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मीन राशि गाइडेंस में पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप लोग तो कोई अगर नई शुरुआत या नया कुछ मैसेज या नया कुछ एनर्जी, थॉट्स, आइडियाज़ कुछ तो आ रहे हैं, तो आप उनको यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस तरीके की अगर आ रहा है तो आप उस पर सोच समझ के आप बढ़ें, यानी कि तुरंत उसमें कुछ जाए, रिस्क ना देखें, उनको सोच समझ के और तब डिसीजन लें। तो ये थे कार्ड्स मीन राशि के 1 to 15 September के लिए। आपको कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।